भाई दिए भैया हमारे भाभी सिस्टर। ऐसा है कि हम हमारे इंदौर और इंदौर में हमारे भैया की शादी है, मतलब हमारे कजन ब्रदर की शादी है, तो बस चलते हैं दिखाते हैं आपको। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, मैं हूँ आपका दोस्त एंड आयुष पटेल, जिसको हमको जाना जाता है ब्लॉग वाले भैया के नाम से। तो खैर बस चलते हैं, यहाँ से रेडी वेडी होते हैं। हम लोग कल आए थे रात को, बट थक गए थे इस करके कुछ भी शूट करने के हालत में नहीं थे। तो खैर आज है सगाई, तो पहले चलिए एंगेजमेंट दिखाते हैं और बने रहना वीडियो में। तो गाइज अभी हम लोग आए थे बाहर और इनसे मिलो। ये हमारे बॉबी भैया जो कि प्रीवियस व्लॉग में आप देखे होंगे। तो अभी बस हम लोग सुबह उठे हुए हैं, चाय के लिए ढूंढ रहे हैं कि चाय मिल जाए किसी भी तरीके से, बट यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं मिल रहा है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और काफ़ी ज़्यादा अभी से रश होने लगा है क्योंकि सामने स्कूल है तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आती है, बच्चे वगैरह आते हैं। फाइनली एक हमको शॉप मिल गई है, बस चाय ऑर्डर करते हैं। और तो गाइस चाय हम लोग ने पी ली है और बस अब चलते हैं रूम पे, नहाते हैं वहाते हैं और बस तैयार होते हैं और दिखाते हैं आपको, तो बने रहना वीडियो में। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी और हमारे कार भी जो बारात वाली जो टोली है, मतलब हम लोगों की साइड से जितने भी लोग हैं सब लेट हो रहे हैं, लगी इस करके थोड़ा सा भागने का जल्दी पड़ रहा है। और हम लोग हो चुके हैं रेडी और ये जो है ना ये थोड़ी टाइट हो रही है इस करके। और ये देख लो मेरे पीछे सभी आ चुके हैं, बस अब चलते हैं और मिलते हैं। तो गाइस ये भी रेडी हो गई है। हेलो, लेकिन स्कूल बहुत है। तो गाइस ये भी रेडी हो गई है, इसका ध्यान ही नहीं है। और ये कृष्णा, ये आप। ये रहे पापा। हाँ। और मौसा जी हम लोग पहुँचे। मौसा जी थोड़े बिजी हैं। मौसा जी चले तो गाइस चलते हैं। अच्छा, बस में ब्लॉग बन रहा है ना। बस में हाँ, नहीं नहीं ब्लॉग बन रहा। चलो तो गाइस पहुँच गए अंदर। हाँ ब्लॉग बन रहा है। डॉक्टर साहब हमारे, ये मौसी हमारी, ये थोड़ा मेकअप करके आई है ये ब्लॉग वाली पे भैया। गाइस ये हैं मिस्टर अमित। ए अल्लाह नहीं, मेरे को लगा फोटो ले रहा है। ले लूंगा ना, ले लूंगा। ब्लॉग बन रहा है ना, नाटक क्यों कर रहे हो? तो गाइस कैसे दूल्हे हैं गाइस, नाटक कर रहे खुद की शादी में, एंगेजमेंट के लिए तैयार हो गए। और ये भाई साहब देख लो, हमें तैयारी है शादी की। हाँ इनकी तैयारी है, हम दोनों बाराती हैं। इनकी तैयारी नहीं, अभी इनकी हो रही है, फिर उनकी हो रही है, ये से सीख के करेंगे हम। फिर और भैया कैसे हो? चल बढ़िया हूँ, आप बताओ? बस बढ़िया है। कब तक की देरी है, कितना देरी है? आधे एक घंटे की बात करेंगे, हो जाएगी, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होगा। नहीं अभी चलने में कितना देरी है? और हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं इंदौर में। ये है इनकी अभी तैयारी वैयारी हो चुकी है, बस निकलने की देरी है ना। जी सर, निकलने की देरी है भैया, बस चलते हैं। तो गाइस अब चलते हैं वहाँ पे गार्डन पे जहाँ पे भाई की सगाई है। और अभी सब लोग तैयार होके खड़े हुए हैं, बेफिजूल में हम लोगों को इतने जल्दी जल्दी बुला लिया, मेरे को और बॉबी भैया को। मेरे पीछे मौसा जी हैं और भाई जा रहे हैं इस कार में, और बाकी हम सब चलते हैं। और भैया सामने खड़ा हुआ है, अमित ये खड़ा हुआ है। ओए अभी हमारी कार खड़ी हुई है जो कि हमें जबलपुर से आई थी साथ में। और भी आ रहे क्या बैठने के? एक कमरा था वहाँ पे गिराए थे, दो कमरों में। हाँ बच्चे भी इनके घूमने से काम चालू हुआ। तो भाई सुबह सुबह देख लो, इंदौर में कुछ ज़्यादा अभी ट्रैफिक है नहीं इस टाइम पे, और बढ़िया है। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी बज रहा है 9:15 हो गया है। हालांकि इधर से ही है जहाँ से मैं आया हूँ ना, वहाँ से नापते। हाँ
ये बॉबी भैया है ना, इनके यहाँ से नागपुर 150 कुछ है ना, कितना है? हाँ 130 मिनी मुंबई ऐसे ही नहीं बोलते इसको, बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पे। गाइस हम पहुंच चुके हैं पाम ट्री रेस्टोरेंट, यहाँ पे है प्रोग्राम अभी, तो बस सब चलते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं पाम ट्री रेस्टोरेंट, ये सभी आ गए हैं, देख लो तैयार वैयार हो के, ये हमारे डॉक्टर साहब मेन कंटेंट हमारे। अरे सभी दीदी सब हाय करो, चाची बस नहीं कर रही हैं, वो दूर से कर दी उन्होंने, ये अलग ही लग रही है। बुआ जी आ गई, यहाँ फोटो शूट चालू हो गया, हमको भूल गए ये लोग। तो गाइस चलते हैं अंदर, और हमसे सब बोल रहे हैं भैया तुम अपना कैमरा वैमरा चालू कर लो, बनाओ वीडियो, हमारी शादी की वीडियो देखने को मिल जाएगी। क्यों भाई सही बात। कुछ ये है पाम ट्री रेस्टोरेंट जैसा, अभी थोड़ा बहुत बाकी है ना डेकोरेशन अभी हुआ नहीं है पूरे तरीके से। तो गाइस देख के ऐसा मत बोलना कि कैसा रेस्टोरेंट है, ये बढ़िया है, बट अभी पूरी तरीके से डेकोरेशन वगैरह जो होता है ना वो हुआ नहीं है। इस कुछ नहीं नाश्ते में, ये अभी हम लोग ने नाश्ते लगाए हुए हैं, और हमारे सामने बैठे हैं हमारे दूल्हे राजा, और चलिए ठीक है करते हैं इसको फिनिश, मिलते हैं आपको। तो गाइस मैंने वो जो अपना जैकेट वैकेट है वो उतार दिया है, क्योंकि गर्मी लग रही थी, पीछे बैठे हैं डॉक्टर साहब, चलिए चल के दिखा। तो गाइस ये भैया हमारे भाभी, उनकी सिस्टर, ब्लॉग बन रहा है। गाइस अभी होने लगी है लगुन की तैयारी, फिर इसके बाद होगी सगाई, सगाई के बाद होगी बारात वगैरह की तैयारी। तो बस अब चलिए सगाई दिखाते हैं आपको, मतलब रिंग सेरेमनी दिखाते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। अभी जो बैंड पार्टी दिखाई थी वो स्वागत था,
और भैया भाभी को ऑलरेडी आप देख चुके हो, मतलब पहले ही देख लिया। तो बस अब चलते हैं, अभी लगुन हो रही है। अब आपके यहाँ पे लगुन को मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है। तो खैर, इसके बाद होगी सगाई, तो सगाई दिखाएंगे और फिर चलेंगे घर, फिर उसके बाद मिलेंगे शादी में। तो बने रहना वीडियो में। गाइस ये गिम्बल देख लो, डीजीआई का गिम्बल, फोन वगैरह भी लग सकता है इसमें। बहुत भारी है कसम से गाइस, बहुत भारी है गिम्बल ये। फंक्शन है वो हो चुका है, वो भी रिंग सेरेमनी। तो जल्दी ये चल गए और दिखाते हैं आपको, बने रहना। दो मिनट सेरेमनी का जो प्रोग्राम है वो हो चुका है कंप्लीट। अब बची हुई है बारात और लगन भी हो चुकी थी, अब से रिंग सेरेमनी भी हो चुकी, मतलब सगाई भी हो चुकी है, अब सिर्फ बची है बारात, उसके बाद है रिसेप्शन। तो सीधे मिलेंगे आपको अभी बारात में। और हमारे दूल्हे राजा से पूछते, कैसा लग रहा है भैया? दूल्हे राजा कैसा लग रहा है आपको? और ये बाराती लोग जो आए हैं इनको कैसा लग रहा है? बाराती लोगों को कैसा लग? बारात निकली है अभी। हाँ तो आए तो बाराती हो ना, अभी तो लगेगा। ये गाइस इनका फोटो शूट चल रहा है, देखना। अभी नहीं हुआ, हमारी भाभी होने वाली। और अभी थोड़ी जल्दी में कहाँ जा रहे हो आप? तैयार होने जा रहे हो? ठीक है, खैर चलते। वो बोल दिया, मैंने बता दिया उनको, बता दिया, हाँ बता दिया। तो खैर अब चलते हैं हम भी और मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस ये बाराती सही लोग,
ये जो इंसान है ना ये हमें को छोड़ के ही भाग गया था, ये देख लो। खैर गाइस चल तो खैर चलते हैं, और आगे बैठे हुए हमारे दूल्हे राजा जो कि अभी थोड़े परेशान हो गए हैं गर्मी में, तो अब चलते हैं होटल पे, तैयार वैयार होके आएंगे, फिर बारात लगेगी तो बारात में मिलते हैं, तो बने रहना।